अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शैमा अपने चैनल कुकिंग विद शैमा खान में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक बहुत ही डिलीशियस इफ्तार की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनती है, एकदम बजट फ्रेंडली और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली है, जो कि हमारे बहुत कम टाइम की बहुत ही डिलीशियस लगती है, बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आती है। अगर आप इफ्तार पार्टी कर रहे हैं तो ये रेसिपी जरूर बनाइएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर मैंने ली है पैन लिया है, पैन में 2 टीस्पून जितना मैंने डाला है ऑयल, इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून जितना लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है। हमें लहसुन अदरक के पेस्ट को जब तक भूनना है जब तक इसकी कच्ची स्मेल चली नहीं जाती, हमें इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। जब अच्छी तरह से लहसुन अदरक भुन गया है तो हमने इसमें डाल देनी है वेजिटेबल्स, सब्जियां हमने इसमें डाल देनी है। सब्जियां मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ली है और यहाँ पर मैंने गाजरें और बंद गोभी भी ली है। इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इन वेजिटेबल्स स्प्रिंग रोल के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, इनके बिना स्प्रिंग रोल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये तीनों तो रखिए कि आप कोई सब्जी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाला है नमक 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच मैंने डाला है कुटी हुई लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें डालना है 1 टेबल स्पून हमने डाला है वाइट विनेगर का यानी सिरके का, और 1 टेबल स्पून हमें डालना है सोया सॉस का। इसको भी डालने के बाद हमें मिक्स करना है, और हमने डाल देना है 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो ज़रूर डालिएगा। इसे डालने के बाद ये सारी सब्जियों को हमने हाई फ्लेम पर ही पकाना है, क्योंकि जितनी भी हमारी चाइनीज़ डिशेज होती हैं उनका जो टेस्ट आता है ना वो हाई फ्लेम पर पकाने पे ही आता है। यहाँ पर हमारी सब्जियाँ अच्छी तरह से भुन भी गई हैं और इनका जो क्रंचीनेस होती है ना वो भी बनी हुई है। तो इस तरह से हमें इसे निकाल कर ठंडा कर लेना है। हमने ठंडा कर लिया है और इधर हमने अपनी शीट्स जो है उनको निकाल कर डिफ्रॉस्ट कर लिया था और उसके बाद इन्हें अलग कर लिया है, और इधर हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने बना लेना है रोल्स बना लेने हैं। तो हमने शीट को इस तरह से रखा है और इस तरह से हमने स्टफिंग डाली है। आप जितनी डालना चाहते हैं ज़्यादा या कम उसके अकॉर्डिंग डालकर हमें इस तरह से रोल बना लेना है, और लास्ट में हमने इसमें इस तरह से स्लरी लगा लेनी है जो हमें मैदे का घोल, हमें थोड़ा सा मैदा लेना है और उसका घोल बना लेना है। अगर आप चाहें तो मैदा नहीं तो आटा भी ले सकते हैं, थोड़ा सा घोल के और इसका आप स्लरी बना कर रख लीजिए जिससे कि चिपक जाए और इससे इसकी स्टफिंग बाहर ना निकले। इसी तरह से देखिए दूसरा रोल भी हम बना लेते हैं सेम प्रोसेस के साथ, तो देखने से ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर अभी तक आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें रोल बना लेना है। यहाँ मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है, यानी बच्चे भी आसान तरीके से इसे बना सकते हैं। तो अपने बच्चों को ज़रूर अपनी रेसिपीज़ में इन्वॉल्व करिए जिससे कि उनको भी बनाने का ढंग भी आता है और वो उनको बड़ा इंटरेस्ट लगता है इस तरह की चीज़ें करने के लिए। तो ज़रूर अपने साथ उन्हें शामिल कर से इस स्लरी लगा कर इसे पैक कर लिया, और इसी तरह हमने सारे अपने जितने भी हमारे वेजिटेबल रोल्स थे इनको बनाकर रेडी कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारे सारे वेजिटेबल्स रोल बनकर रेडी हो गए हैं और बहुत ही कम टाइम पे बनते हैं। इसी टाइम पे आपको अगर इसे फ्रीज़ करना है तो बस आपने इन्हें डाल ज़िप्लॉक बैग में डालना है और इन्हें फ्रीज़ कर देना है। आप इन्हें 15 से 20 दिन भी रख सकते हैं फ्रीज़र में डालकर और निकालें। इस तरह से हमने इसे फ्राई करना है, इसे मीडियम आंच पर हमें इन्हें फ्राई कर लेना है और जब तक तलना है जब तक इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता। इस तरह से फ्राई करके निकाल लेना है, आपने जितनी क्वांटिटी में चाहिए हो और डिफ्रॉस्ट करके आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने फ्रेश ही बनाए थे और इन्हें इस तरह से हमने फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद सारे हमारे रोल्स जब इस तरह से फ्राई हो गए, वेजिटेबल स्प्रिंग रोल बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो कितनी आसान तरीके से बनने की रेसिपी है, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, मेरी रेसिपी से बनाइए। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलूंगी एक बहुत ईजी टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।